हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक गढ़िया एंड मैं एक रिटेलर एंड होलसेलर हूँ रिंकल फ्री शर्ट के फैब्रिक्स में। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर करूंगा रिंकल फ्री शर्ट फैब्रिक से रिलेटेड। नंबर वन, क्या रिंकल फ्री फैब्रिक्स स्किन फ्रेंडली होते हैं? नंबर टू, रिंकल फ्री फैब्रिक्स के कपड़े क्या ब्रीदेबल होते हैं? नंबर थ्री फ्रेंड्स, रिंकल फ्री फैब्रिक को मेंटेन कैसे करें? एंड नंबर फोर फ्रेंड्स, क्या रिंकल फ्री शर्ट के फैब्रिक पे प्रोसेसिंग करने की वजह से उसकी लाइफ कम होती है कि नहीं? इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको रिंकल फ्री शर्ट का फैब्रिक खरीदना चाहिए कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रिंकल फ्री कॉटन की। कॉटन बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक रहता है पर उसमें रिंकल इश्यूज बहुत हो जाते हैं, इसलिए मार्केट में रिंकल फ्री कॉटन बहुत ही डिमांड में आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 100% रिंकल फ्री कॉटन मार्केट में मिलते हैं देन ये आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें आपको नेचुरल फैब्रिक यूज करके एक शर्ट पहनने मिलता है एंड वो भी आयरनिंग के बिना। अब बात करते हैं रिंकल फ्री कॉटन ब्लेंड्स की। तो ये फ्रेंड्स कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कॉटन एंड पॉलिएस्टर ब्लेंड, जिसमें आपको कॉटन की सॉफ्टनेस एंड पॉलिएस्टर की रिंकल रेजिस्टेंट फैसिलिटी दोनों मिल जाती है। ये इजी टू मेंटेन होते हैं एंड बहुत ड्यूरेबल होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम कॉटन एंड कॉटन ब्लेंड्स को एक साइड छोड़ दे देन रिंकल फ्री फैब्रिक में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक 100% सिंथेटिक फैब्रिक है जो अपने रिंकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत फेमस है। ये ड्यूरेबल होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी रहता है। अगर हम 100% पॉलिएस्टर शर्ट के फैब्रिक के एडवांटेजेस की बात करें देन फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इसमें दाग नहीं लगते। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है एंड रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये ट्रैवलिंग के टाइम आपका बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं देन फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा ब्रीदेबल नहीं रहता, मतलब कपड़े में से हवा आर पार ज्यादा नहीं हो पाती एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहता। ज्यादा टाइम तक पहनने की वजह से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने एक प्लास्टिक पहना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 100% पॉलिएस्टर शर्ट का कपड़ा नहीं पहनना देन मार्केट में पॉलिएस्टर की 4 ब्लेंड्स अवेलेबल है, मतलब पॉलिएस्टर के साथ 4 दूसरे फैब्रिक मिक्स होके आपको मार्केट में मिलते हैं जो आप शर्ट में रिंकल फ्री फैब्रिक के नाम पे आराम से पहन सकते हो। सबसे पहली ब्लेंड है पॉली कॉटन ब्लेंड, मतलब पॉलिएस्टर एंड कॉटन की ब्लेंड। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। एक आइडियल प्रोपोर्शन है फैब्रिक का जिसमें 65% पॉलिएस्टर हो एंड 35% कॉटन हो। ये ब्लेंड रिंकल फ्री फैब्रिक में बहुत अच्छी रहती है। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस बोलूं देन कॉटन की नेचुरल ब्रीदेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पॉलिएस्टर की प्रेजेंस बढ़ जाती है। दूसरी ब्लेंड है फ्रेंड्स पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स ब्लेंड, मतलब जिसमें 95% पॉलिएस्टर हो एंड मैक्सिमम 5% स्पेंडेक्स हो, जो वो कपड़े को एक स्ट्रेचेबिलिटी देता हो 2-way लाइक्रा की या फिर 4-way लाइक्रा की। इसकी एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्ट्रेची रहता है। एंड डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि स्पेंडेक्स एंड पॉलिएस्टर दोनों सिंथेटिक, मतलब मैनमेड फैब्रिक होने की वजह से आप इसे गर्मी में नहीं पहन पाओगे। एक और ब्लेंड है पॉलिएस्टर एंड विस्कोस ब्लेंड, जिसमें एवरेज 70-80% पॉलिएस्टर रहता है एंड 20-30% विस्कोस। फ्रेंड्स, विस्कोस एक सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है, मतलब वो आधा नेचर से एंड आधा फैक्ट्री में बनता है। ये रीजन के वजह से वो एक कॉटन का अच्छा रिप्लेसमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें विस्कोस की आपको बहुत अच्छी सॉफ्टनेस मिल जाती है एंड डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि ये विस्कोस की क्वालिटी कॉटन जितनी ड्यूरेबल बहुत केस में नहीं हो सकती। एंड फ्रेंड्स, फाइनली वन ऑफ द बेस्ट रिंकल फ्री शर्ट फैब्रिक की ब्लेंड है पॉलिएस्टर एंड रेयॉन ब्लेंड, जिसमें पॉलिएस्टर 80% रहता है एंड 20% रेयॉन। एंड फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक है। एंड डिसएडवांटेज फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, रेयॉन या फिर विस्कोस, जो भी एक टाइप का रेयॉन है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही देन फ्रेंड्स, इसकी लाइफ कम हो जाती है या फिर इसमें बहुत सारे रिंकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन रिंकल फ्री फैब्रिक के ब्लेंड्स थे जो आप यूज कर सकते हो एवरीडे बेसिस में, जिससे आप बहुत फ्रेश एंड स्मार्ट दिख पाओगे बिना ज्यादा एफर्ट दिए।
पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो आइडियल प्रोपोर्शंस मैंने बताए हैं पॉलिएस्टर ब्लेंड्स के, वो हर रिटेलर को पता नहीं होते। कभी कभी मुझे भी ये प्रोपोर्शंस पता नहीं होते, क्योंकि कंपनीज हमें हर बार ये नहीं बताती। इसलिए इसे मेरा सजेशन है फ्रेंड, कि एक ट्रस्टेड रिटेलर से आप आपके फैब्रिक्स खरीदना। आई होप ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।